नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनबी 24 न्यूज और आज हम गोराबोराम प्रखंड के कन्हई पंचायत गांव में आए हैं और ये बलथरी गांव है। इस बलथरी गांव में जिस जगह पर आज हम मौजूद हैं, इस जगह को लेकर के भाई में दो भाई के आपस में है विवाद चल रही है और ये विवाद बताया जाता है कि न्यायाधीन जो है वो मामला चल रहा है। इस जमीन पर 144 धारा लग चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है मकान बनाने का प्रोसेस जारी है। एक पक्ष के द्वारा जब ये चीज केस में न्यायालयाधीन कर देने के बाद दूसरे पक्ष ये बता रहे हैं कि मुझे यहाँ पर अभी तक कोई खबर नहीं है, कोई भी नोटिस मुझे नहीं मिला है, कोई भी सूचना अभी तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम अपने घर के, अभी बारिश का मौसम है, हमें तकलीफ है और इसके लिए हम घर का निर्माण कर रहे हैं। अगर न्याय की तरफ से अगर कोई भी अगर सूचना हमें मिलता तो जरूर हम न्याय का पालन करते और न्यायालय का हम पालन करते, अभी तक हमें कोई भी नोटिस नहीं मिला है। आइए हम पहले पक्ष से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर यादव, बलथरी ग्राम निवासी। आज तक नहीं मिलने के बाद वो तो थाना प्रभारी को हमने दिया, अगला पार्टी भी तो कार्यक्रम करके आगे कार्यालय में जाना था, न्याय के लिए दंडापदे अधिकारी से खोजना था, आगे जैसे मैं गया हूँ प्रशासन के यहाँ जाना था। हमने तो प्रशासन का शरण लिए है ना, गैर कानूनी नहीं न किए, गैर तलब नहीं न किए किसी का। ऐसा कोई इतना यदि पावरदार हम रहते तो प्रशासन का शरण नहीं लेते, आज तक आपका शरण नहीं लेते हम। क्या मामला है? मामला जमीन का मामला है, बगैर नापी जोखी का किसी का जो है भाई जबरदस्ती कब्जा करने इसका मामला है। कब का ये आप मतलब न्यायालय में कब गए? और न्यायालय में तो हम गए थे, न्यायालय में गए 25/6/2024 को जो है एसडीओ साहब के यहाँ गए, 11/6 को जो है थाना प्रभारी को दिए थे, एसपी साहब के यहाँ 7/9 को जो है 9/7 को जो है एसपी साहब के यहाँ गए, 1/26/7 को एसपी साहब के यहाँ गए, अनुमंडल पदाधिकारी को 18/6 को वहाँ गए। तो हर जगह तो हम न्यायालय में न्याय मांगने के लिए गए हैं, जबरदस्ती हम करते तो न्याय के लिए क्यों जाते हम? जब से ये न्यायाधीन मामला है उसके बाद कब 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 ये काम करना, उसके बाद कितने बार काम यहाँ पर हुआ है? हम यहाँ तो काम हो ही रहा है, प्रशासन को कहते रहे अजीत झा ने, आज तक मैंने 50 बार फोन किए हैं, कभी सुनवाई नहीं किया, सभी प्रशासन के पास जाने के बाद अभी तक सुनवाई मेरा नहीं हुआ, इसीलिए काम हो रहा है। यदि प्रशासन आकर के अपने से भी निशाब कर देता इसका तो आज तक यहाँ कोई झंझट का विवाद नहीं रहती। आज भी ये काम हो रहा था यहाँ पर? आज तो 44 धारा लागू है, एसडीओ कोर्ट से आपको नोटिस दिखाए आपका, उसका मेरे साथ प्रूफ है, जब मैंने जो है उसके लिए जो आपको शरण में जाकर के आपको बुलाया गया है इस स्थान पर, जो इसका सही आंसर क्वेश्चन पैसा के कारण दबाव कर देते थे, आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए हुजूर। ये जो जगह बताया जा रहा है, पहले पक्ष से हमने जो बात रखी है आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है घर का जो है काम चालू है और कुछ मटेरियल आपको दिखाना चाहते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा ये सामान को दिखाइए। ये जो है प्लास्टर का सामान है और यहाँ पर जो है देख रहे मसाला लगा हुआ है, इसके ऊपर आ जाइए। और ये यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो है काम जो है लगातार जारी था और जब हम लोग यहाँ पर आए हैं उसके बाद से मिस्त्री अपना काम छोड़ दिया है और लेबर भी अपना काम छोड़ के ये हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको सुनने के लिए और देखने के लिए लगा हुआ है। आइए हम दूसरे पक्ष से बात करते हैं और उनका पक्ष हम रखने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र यादव, बलथरी ग्राम निवासी, कन्हई पंचायत ये रहने वाला मैं हूँ। और यहाँ जो है सर, हमें इतना जो है सो दिक्कत हो रहा है, इतना परेशान हो रहे, जो ये जितना भी कहता है सरासरी झूठ बोलता है, वही खुद जो है सो मतलब नाप करके अमीन से पूरे नापी जोखी करके अपना खुद को मकान बना लिया है। सामने अभी देख लीजिए सर, पक्का पहले बनाया हुआ है, सब कुछ करके कर लिया है। इसके बाद आज मेरा झोपड़ी तोड़ के हम यदि मकान बना रहे हैं तो आज हमारे पास विवाद खड़ा कर रखा है। यहाँ नहीं, जिला परिषद इसका सलाह का मतलब लड़का है, ये खुद जो है सो हमको धमकी देता है एनी टाइम। यहाँ 8-8 आदमी, 10-10 आदमी बोलेरो में बैठ के रात में आता है हमको यहाँ जो है सो मार करने के लिए। और यहाँ जो कि ये हमारे कोई बेटी बहन मतलब सबको जो है सो नजायज बात एनी टाइम करता रहता है। जितना आज मेरा जमीन का शेयर का अपना शेयर बेच लिया है और हमारा कबल्ला टोटल यही रखा है, जो भी कबल्ला कागज पेपर सब कुछ यही है, बोलता है नहीं देंगे तो क्या कर लेगा। मामला क्या है इस जमीन को लेकर के, क्या विवाद है? इस जमीन को लेकर के कुछ नहीं, वो अपना बना लिया है, आज हम बना रहे हैं सर। अब हमारे बनाने में ये हमारा लेबर को भगा देता है, मिस्त्री को मार देता है, यहाँ कोई कुछ नहीं, उसने उसी ने अमीन रख के नाप करके वो अपना दे दिया है हमको, तब वो अपना बना लिया है पक्का, सामने है देख लीजिए। और इसके बाद जो है सो अभी भी हम 1 फीट जमीन छोड़ करके जो है सो मैं बनाया हूँ, मकान बना रहा हूँ, तब ये जो है सो हमको परेशान कर रहा है रात दिन। आज की तो 112, कल की तो यहाँ जो है सो गुंडा, कल की तो वहाँ जिला परिषद, बार बार धमकी आ देता है हमको आकर के जो है सो।
112 लाख बताया जाता है पहले पक्ष के द्वारा कि ये मामला न्यायाधीन है और इस पर 144 लग चुकी है। 144 लगने का कोई नोटिस नहीं, हम हमारे पास कोई नोटिस नहीं है सर अभी तक। हमको कोई हम कुछ नहीं, मूर्ख आदमी है हम, हमको कोई पता नहीं। हम तो जब साथ में देखेंगे लिखते हम तभी ना समझेंगे। हमको कोई अभी तक नहीं जो है सो नोटिस वोटिस कुछ नहीं आया है सर। जबरदस्ती कर रहा है पहला पक्ष, ये कह रहा है कि हमने 144 का जो है इस पे हम केस कर दिए हैं और न्यायालय का जो है नोटिस भी इनको मिल चुका है, उसके बावजूद भी ये काम कर रहे हैं। हमको न्यायालय के जो है कोर्ट का अवमानना कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, हमको अभी तक नोटिस नहीं मिला है जो है, मतलब कोई भी कहीं हमको दिखा दीजिए कहीं पर कोई गलत या झूठ बात यहाँ जैसे मतलब करने के लिए। आप दोनों भाई हैं? जी सगा भाई हैं हम। हम छोटे हैं वो बड़े हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका श्याम सुंदर यादव, मेरा हरिश्चंद्र यादव। हाँ, ये जो है सो बड़ा अपना जो है सो मतलब दबंग के पर में जो है सो बाहुबली करके ये एनी टाइम बोलता है हमारा कहाँ जाएगा, तेरे को कोर्ट से करेंगे, सड़ा देंगे कोर्ट में। एनी टाइम धमकी देता है सर, यहाँ जीना हराम हो गया है हमको। बार बार 112 लाख बैठाता है, यहाँ कुछ भी नहीं काम होने के बाद। यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्लॉट पर कुछ किसी तरह का काम वही नाप जो करके सब की जमीन से सब कुछ करके हमको दिया है और अपना बना लिया है पहले। इसके बाद हम आज मकान बनाते हैं तो हमारे साथ विवाद कर रहा है। ये दोनों भाई के आपस की मामला है और आपस की जमीन की मामला के कारण ये सब सारा चीज हो रहा है और जैसे भी ये अपडेट कुछ आएगा ये जानकारी हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए BNB 24 न्यूज़। नमस्कार।